माननीय ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री जी, हमारे सहयोगी अधिकारी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, एनडी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, कमिश्नर बरेली सौम्या जी और डायरेक्टर नेडा तथा आज के इस पूरे दिनभर की कार्यशाला में भाग ले रहे तमाम सारे हमारे सरकारी अन्य विभागों के अधिकारीगण, जो उद्यमी इस सोलर ऊर्जा सोलर एनर्जी के साथ या बायो फ्यूल एनर्जी के साथ जुड़े हुए ऐसे उद्यमीगण, एक्सपर्ट्स, कुछ एकेडमिया से भी लोग आए हुए हैं, एकेडमिया के सदस्यगण, अन्य देवियों से भी लोग, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा वैकल्पिक ऊर्जा विभाग को कि उन्होंने एक अच्छी कार्यशाला आज दिनभर की यहाँ पे आयोजित की, जिसमें वो महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई। पहली सौर ऊर्जा और दूसरी जो है बायोफ्यूल ऊर्जा के बारे में। अभी उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट महेश जी बता रहे थे, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल इन चीजों को धरातल पर लाने में क्या क्या कठिनाई होती है, कैसे उन कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारा प्रदेश बहुत तेजी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ से आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा अगले 5 साल के लिए, और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, उस लक्ष्य के उसी समरूप चलता हुआ लक्ष्य कि उसको जब 5 ट्रिलियन पूरा करेंगे उत्तर प्रदेश उसमें 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी पूरा करेगा, और जब हम 1 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन डॉलर के लिए पहुंचेंगे तो उससे बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। पहले हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कल कारखानों में वृद्धि होगी, हमारे सर्विसेज सेक्टर में काफी वृद्धि होगी, लाइफ स्टाइल में, क्योंकि जब 5 ट्रिलियन डॉलर होगा, 1 ट्रिलियन डॉलर होगा, तो हमारे प्रदेश के जो नागरिक हैं उनके रहन सहन का स्तर बेहतर होगा। रहन सहन का बेहतर स्तर होने का एक इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, उनमें एक इंडिकेटर है एनर्जी कंजम्पशन, कितना वो ऊर्जा कंज्यूम करते हैं, और जब ऊर्जा का कंजम्पशन उनका रहन सहन का स्तर बेहतर होगा, उनका पर कैपिटा इनकम बेहतर होगा, तो उससे उनका ऊर्जा का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। आज हमारे प्रदेश में पीक डिमांड करीब 28,000 मेगावाट की है, लगभग 28,000 मेगावाट। ये पीक डिमांड हमारी बहुत बढ़ जाएगी जैसे जैसे हमारी आय बढ़ेगी, कल कारखाने बढ़ेंगे, हमारे मूवमेंट बढ़ेंगे, हमारी जो चाहे ट्रेन के द्वारा हो, हवाई जहाज के द्वारा हो, रोड के द्वारा हो, जलमार्ग के द्वारा हो, हमारे मूवमेंट बढ़ेंगे, हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, चाहे वो हमारी अपने स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में हो, शिक्षा के बारे में हो, इंटरटेनमेंट के बारे में हो, हमारे कंजम्पशन के बारे में, हर चीज बढ़ेगी, इसमें हमारी ऊर्जा का भी आवश्यकता जो हमारी पड़ेगी, और हम उसके हिसाब से पूरा पूरा एक नियोजित विकास करते हैं, और वो नियोजित विकास करते हैं जिससे हम उस ऊर्जा के लक्ष्य को पूर्ति कर सकें। इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले से देखा, जिस प्रकार से पिछले 10 साल में तेजी से देश का विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, बहुत तेजी रफ्तार, पहले हम लोग बात करते थे इंक्रीमेंटल ग्रोथ, धीरे धीरे 2%, 4% ऐसे धीरे धीरे ग्रोथ होती है, अब हमारा क्वांटम ग्रोथ होता है, पूरा का पूरा हम एक लेवल से जुड़ करके दूसरे लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ होती है, और उसके लिए एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको मालूम होगा कि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा पहले तो 375 गीगावाट का रखा था,
अब उन्होंने रख रखा 500 गीगावाट का हमारे रिन्यूएबल एनर्जी वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से 500 गीगावाट का टोटल प्रोडक्शन होगा बाय 2030, ताकि हम बैलेंस कर सके हमारा जो फॉसिल फ्यूल के माध्यम से जो हमारा जो एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है उसके साथ हम इस रिन्यूएबल एनर्जी को दोनों का एक बैलेंस कर सके, क्योंकि तो हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य COP26 ग्लासगो में उन्होंने घोषणा की कि हमारा देश 2070 में जीरो कार्बन एमिशन का देश बनेगा। 2070 बहुत दूर नहीं, 2070 में का मतलब होता है कि केवल 5-10 है और 5-10 देश की जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती। वो 2070 के उस दशक को उसको पढ़ने के लिए हमें बहुत सारे तमाम सारे क्षेत्रों में परिवर्तन करना होगा। उनमें एक क्षेत्र ऊर्जा का भी क्षेत्र है और ऊर्जा में हमारा प्रोडक्शन भी कंजम्पशन भी सारी की सारी चीजों में परिवर्तन करना होगा। उसी लक्ष्य को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लिए भी उसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे और उसमें बहुत सारी चीजें हो रही है। जैसे कि एक तो आपका जो नेडा के द्वारा आपकी जो है रिन्यूएबल एंड एनर्जी के बारे में इसके ऊपर काम चल रहा है। आपको मालूम है कि अभी जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ 2023 फरवरी में थोड़े महीने पहले, तो हमारा जो उस समय करीब 35.5 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट हुए उसमें लगभग 8 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट केवल ऊर्जा के क्षेत्र में। ये बताता है कि दुनिया और देश के तमाम सारे निवेशक जो है ऊर्जा के क्षेत्र में कितना निवेश करना चाहते हैं, और उसमें जो निवेश थे उसमें काफी कुछ निवेश हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। लोग हमारे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश में काफी सारा लैंड उपलब्ध है। बहुत सारी दिक्कतें थी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को, हमारे महेश जी, हमारे रिसर्च चीफ सेक्रेटरी, उनकी पूरी टीम को। एक बहुत बढ़िया सोलर नीति हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 की बनाई, जो कि इसके लिए जिससे कि हम इस निवेश को अट्रैक्ट करें। तो काफी सारे इन्वेस्टमेंट में बड़ी बड़ी कंपनी रिलायंस, अडानी और तमाम सारी कंपनी हमारी जो जो भारत सरकार की जो सेंट्रल पीएसयू है, अभी आपका अयोध्या में एनटीपीसी के माध्यम से 40 मेगावाट का जो है एक सोलर एनर्जी का पूरा एक बड़ा क्षेत्र उसमें जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आकर्षण हुआ उत्तर प्रदेश में उसको सोलर एनर्जी इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो दूसरी पॉलिसी आई वो बायोफ्यूल की पॉलिसी आई, लोग इसके बारे में काफी, और ये ऐसे साधारण पॉलिसी बनाने के लिए सारे राज्यों से संपर्क किया गया, सारे स्टेक होल्डर से बात करें, काफी परिश्रम करके वो पॉलिसी बनी। आज देश की मुझे खुद मेरे पास तमाम सारे सोर्स से, भारत सरकार से और भी तमाम सारे लोगों को जानता हूं, लोग मेरे को फोन करके कहते हैं आपकी बायोफ्यूल की पॉलिसी बहुत अच्छी है, इसको दूसरे उसको कॉपी कर सकते हैं, दूसरे उसको ले सकते हैं। उस बायोफ्यूल पॉलिसी का क्या नतीजा हुआ, उसके हमारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बायोफ्यूल में, चाहे वो गोवर्धन गैस के बारे में, गोवर्धन योजना के बारे में, चाहे वो सीबी कंप्रेस बायोगैस के बारे में, काफी सारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निवेश इसके बारे में कमिट किए और बहुत सारे आ भी गए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पे हमारे बैठी है सौम्या जी जो कि कमिश्नर है मंडलायुक्त है बरेली मंडल का, उन्होंने एक बहुत अच्छा ऐप डेवलप किया। जब कठिनाई आई बदायूं में जो प्लांट लगा, आयुषी का प्लांट लगा, आयुषी के प्लांट के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि आएगा कहां से ये फ्यूल, क्योंकि हम योजना तो बना देते हैं बट योजना के क्रियान्वयन जब हम करते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी कठिनाई आती है, जिन कठिनाइयों को दूर करना हमारा दायित्व तो बनता है। उन्होंने बड़ा अच्छा एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक मार्केट प्लेस क्रिएट कर दिया जो हमारा बायोफ्यूल है के लिए पराली है, या वहां पे नेपियर ग्रास हो सकता है, वहां पे हमारा वहां बहुत सारे गन्ने की खेती होती है, प्रेसमड हो सकता है। तो इसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी कितना बड़ा टूल हमारे पास है, टेक्नोलॉजी के टूल पे हम सबको एक साथ लाकर उस मार्केट प्लेस पे, जैसे कि हम एक बाजार में बैठे हैं और बाजार में खरीदार भी हैं, बेचने वाले भी हैं और मोल भाव करने वाले भी, सारा का सारा चीज वहां पे एक साथ उपलब्ध है। तो मार्केट प्लेस में उसका रेट भी वहां तय हो रहा है, डेली तय हो रहा है, वहां पे कौन देने वाला है, कौन उसकी मदद करेगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसमें हमें सब्सिडी देता है बेलर के लिए,
ट्रैक्टर के लिए और जो तमाम सारे इक्विपमेंट्स के लिए, किसान है जिनके पास वो पराली दूर करने, क्योंकि आज आज के समय पराली तो आप रोज अखबारों में देखते होंगे, पराली की समस्या को लेकर कैसे हमारे पोल्यूशन को लेकर के बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है। इन सारी चीज को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके काम को आसान कर दिया और उससे जितने भी हमारे सीबीटी प्लांट्स वहां बरेली मंडल लगे वो सारे के सारे उन प्लांट्स को वहां पे एक साथ उसका आदान प्रदान, उसका क्रय विक्रय कर सकते हैं। सबको लाभ हो गया, एवरीबडी दे विनर, किसान को भी फायदा हुआ, जो सीबीटी प्लांट लगा उसको भी फायदा हुआ, जो हमारे एफपीओ या हमारे किसान भाई या हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी जिन्होंने वो सारी मशीनें खरीद रखी उनको भी फायदा हुआ, सबको फायदा हो रहा है उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मैं भी कह रहा था इनको, सौम्या जी से कह रहा था कि आप हमारे हर मंगलवार को मैं सारे कलेक्टर्स कमिश्नर्स की बैठक करता हूँ, मैंने कहा वहां प्रेजेंटेशन करिए, मैं चाहूंगा कि बाकी भी कमिश्नर्स कलेक्टर्स, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से मैं जब कहता हूँ बहुत तेजी मतलब बहुत तेजी से इतने सीबीटी प्लांट्स हमारे पूरे प्रदेश भर में लग रहे, उन सबको हम अगर यह सुझा देंगे कि हर एक के सामने समस्या है, समस्या जो इनपुट की टेक्नोलॉजी है, जो कि आप प्लांट लगा दिए लेकिन प्लांट के लिए कहां से ये मटेरियल कहां से आए, उसके लिए आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। तो सीबीजी के माध्यम से ये भी एक नई पॉलिसी बहुत सारे आ गए। सोलर में एक बहुत बड़ी समस्या आती है हमारे सामने, सोलर जब तक सूरज उगा हुआ है तब तक तो आपको सोलर एनर्जी मिलती है, लेकिन जहां सोलर वो बुझ जाता, सोलर तो अपना कभी 12 घंटे कभी 10 घंटे कभी 13 घंटे ऐसे सोलर सूरज होता, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसको स्टोरेज के लिए बैटरी जो होती है वो बैटरी के लिए जो मटेरियल मिलता है वो सारा विदेशों से आता है। अभी बीच में थोड़ा पता चला कि जम्मू में हमारे पास काफी स्टोरेज है उसका, लेकिन अभी उसके ऊपर माइंस मिनिस्ट्री काम कर रही है, लेकिन तब तक हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आती है उसको स्टोरेज करने के लिए, हमें बैटरी की जगह ये पंप स्टोरेज पोटेंशियल एनर्जी, पानी को ऊपर उठा लेंगे, पानी रखा रहेगा, पानी जब नीचे गया तो उस एनर्जी से हम दोबारा एनर्जी पैदा कर लेंगे। और हमारे प्रदेश में ऐसे तमाम सारी जगह है जहां पर हम लोग पंप स्टोरेज का माध्यम से हम इसको बहुत फायदा ले सकते हैं, काफी इन्वेस्टमेंट काफी सारे जगह से पंप स्टोरेज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में प्राप्त हुए। तो हम सोलर को भी हम बैलेंस कर लेंगे, हम दिन में सोलर चलाएंगे और रात में पंप स्टोरेज के माध्यम से करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी लगे उसे पिक करने में, बाकी उससे हम नई एनर्जी पैदा करेंगे। हमें नए नए हमारे यहाँ संभव जो विंड एनर्जी का हमारे पास होता है स्कोप नहीं होता, बहुत सारे राज्यों में जो कि हमारे ऐसी जगह है जहां पे खुला हुआ है वहां पे बहुत तेज विंड चलती है, हमारे प्रदेश में उसका स्कोप उतना नहीं है, लेकिन जिन चीजों का स्कोप है उस चीजों को हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। आज हमारे बहुत सारे जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता था, हमारे माननीय मंत्री जी जो है ऊर्जा के भी मंत्री है और नगर विकास के मंत्री है, तो म्युनिसिपल वेस्ट से एनर्जी बनाने के लिए उसके बारे में भी प्लांट लगे। आज जो इतना सारा हमारा जो गोवर्धन जो इतनी सारी हमारा जो अगर गोवंश को देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गोवंश होता, पूरे देश का सबसे बड़ा गोवंश हमारा उत्तर प्रदेश, गोबर के माध्यम से हम उसको गैस बना सकते हैं, उसको एनर्जी का जिसको रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। ये एक इतना बड़ा हमारा चक्र है जो कि हमारे प्रदेश को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के ग्रोथ विद नो पॉल्यूशन विद नो डैमेज टू द एनवायरमेंट, ये हमारा लक्ष्य है आने वाले समय, ये हमने सीखा अपने माननीय प्रधानमंत्री से, ये हमारा उस लक्ष्य को लेकर हमारे माननीय मोदी पूरे प्रदेश को लेकर चल रहे हैं। यहां पर एक और नई चीज आती है, मैं बीच में अनुपम जी से बात कर रहा था, हमने ये सब तो एनर्जी की बात कर ली कि हम रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो पहलू है हमारा एनर्जी एफिशिएंसी का। एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर पिछले 10 सालों में इतना ज्यादा काम हुआ है, मैं भारत सरकार में जब सचिव था हमने बहुत सारी चीजें और यहां पे तमाम सारे एक्सपर्ट्स होंगे, एनर्जी एफिशिएंसी अगर आपने 10% सोची कि 28,000 मेगावाट है, अगर 10% बता दिया तो लगभग 2800 मेगावाट एनर्जी आपने बचा ली, यानी उतनी एनर्जी आपने पैदा कर ली, इतनी महंगी एनर्जी आप खरीदने की जगह उतनी एनर्जी आप बचा लेते। अगर आपने 20% बता दिया यानी 5600 मेगावाट आपने बचा लिया। तो आने वाले समय में जितना ज्यादा हमारा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा वी मस्ट गो फॉर मोस्ट एफिशियंट एनर्जी ग्रिड्स, इसका तो पूरा एक मॉडल तैयार हुआ है, इसको मॉडल तैयार हुआ है जिसके माध्यम से आप
अपना जो है पूरे देश भर में एज ए सेक्रेटरी अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स, मैंने पूरे देश भर के सारे शहरों में जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती है सारी एलईडी लाइट से कन्वर्ट कराया, एक अभियान चला के चालू किया। जितने सारे हमारे शहरों में पंप्स होते हैं, पंप्स को उसको एनर्जी एफिशिएंट पंप किया, उसके माध्यम से हमारा काफी सारा एनर्जी कम हो। ये भी हमारा एक फोकस होना चाहिए। मैंने अपन जी से कहा कि जब भी आप ऐसा ऐसी चर्चा करें तो लोगों के, और हमारे यहाँ लोग इतने उनकी क्रिएटिव है, इतनी हमारे लोगों में ऊर्जा है, इतने सारे नवाचार आज देश में, इनोवेशन इतने ज्यादा हो रहे, इतने स्टार्टअप नए नए बन रहे, हमारे स्टार्टअप इसके ऊपर बनेंगे कि कैसे हम लोग एनर्जी को बचा सकते हैं, क्या करें कि हम लोग सोलर से। बात मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं यहाँ पे एंटर किया तो ये जो सूर्य मित्र है ये तो बिल्कुल मुझे लगा कि आम के आम नुकलियों के दाम टाइप का है कि आपने आपने यहाँ पे ट्रेनिंग ली, देखिए ट्रेनिंग के साथ मंत्री जी ने आपको भी नौकरी भी दिलवा दी, आपने ट्रेनिंग ली और आप यहाँ पे अपने गाँव में अपने शहर में लोगों से अब 15-20 हजार रुपए का महीने का आयोजन करना चालू कर दिया, और तो नई नई चीजें आपने बना दी। मैंने देखा कि वहां पे कैसे आप रात में अपने आप लाइट जल जाएगी, दिन में अपने आप लाइट बुझ जाएगी, आपने कैसे उसको जो पार्ट्स के बारे में बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें डिस्प्ले करके आपने भी देखा होगा। तो जब ये बच्चे हमारे आईटीआई के बच्चे हैं, जो हमारे पॉलिटेक्निक के बच्चे, ये बताता है नवाचार, इनोवेशन, और आज उत्तर प्रदेश इनोवेशन हब के रूप में डेवलप हो रहा है। बहुत सारी चीजें हमारे, इतने सारे स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे मोर देन 1000 स्टार्टअप रजिस्टर है, 70 हमारे इंक्यूबेटर्स, 5 जगह हमारे सेंटर ऑफ एक्सलेंस, हम कहते हैं कि इसके ऊपर भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी पे भी सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनना चाहिए, हम लोग उसको फंड करें, क्योंकि आज हमारा प्रदेश बदल रहा है, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये देश का ग्रोथ इंजन है, और देश का ग्रोथ इंजन तो इंजन में कितनी ताकत है आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश जो काम कर रहा है, हर क्षेत्र में जो काम कर रहा है। आपने बताया कि पिछले 2 साल में आपने 4500 मेगावाट का है, पिछले उसमें जो 4500 मेगावाट के और आगे आने में 4500 मेगावाट आप और कर ले जा रहे, लेकिन हमारा तो लक्ष्य, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5,500 गीगावाट रखा है, यानी 5,00,000 मेगावाट रखा है, तो हम उससे 1/6 से कम नहीं करेंगे, यानी हमारा टारगेट तो करीब 80,000 मेगावाट होना चाहिए। कैसे करेंगे ये सोचने के बाद, तो 80,000 में आप 10,000 तो आप बचा सकते हैं, या 20,000 आप बचा सकते हैं, आप एनर्जी एफिशिएंसी के माध्यम से 50,000-60,000 आप पैदा कर सकते हैं, और ये हम आने वाले उत्तर प्रदेश का, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, ये जो नया उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ऊर्जा के साथ इसको पूरे प्रदेश को जो ताकत दी है, जिस प्रकार से बदलाव का चित्र, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारे कल कारखाने हो, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट के बारे में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, जैसे हमारे पूरे लाइफ में परिवर्तन हो रहा है, वो सारा का सारा चीज ऐसा हमें करना पड़ेगा कि मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट चीजों को प्रयोग करें और ऐसी ऊर्जा का प्रयोग करें जिससे कि हमारा मिनिमम हमारे जो एनवायरमेंट है उसको मिनिमम डैमेज हो, हम एक सस्टेनेबल एनर्जी। और इसके बारे में एक बहुत अच्छी मैसेज ये भी है कि आज हमारा ऊर्जा विभाग ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर भी पॉलिसी पे भी काम कर रहा है। बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश एक नया ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लेके आएगा, क्योंकि इसको भी प्रमोट करना है, देश में भी ग्रीन हाइड्रोजन पर तेजी से काम कर रहा है, और उत्तर प्रदेश कदम से कदम मिला करके उस पर उत्तर प्रदेश उससे भी उस पर काम करेगा, जिससे कि हमारे यहाँ एक सस्टेनेबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि इन्वायरमेंट के लिए पूरी तरह से अनुकूल, ऐसी एनर्जी बने, तो इसके लिए हम पूरा का पूरा काम चल रहा है। पॉलिसी में भी इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए वो आवश्यकता है कि वो एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, जिससे कि हम जो सोच रहे हैं वो चीज आगे बढ़ सके, क्योंकि अदरवाइज वो बहुत सारे उसके रोड ब्लॉक्स होते हैं, उन रोड ब्लॉक्स को पॉलिसी में परिवर्तन करके चेंज करने के बाद, चाहे वो लैंड के बारे में हो, चाहे वो कंजम्पशन के बारे में हो, चाहे वो एनर्जी को उसको यूटिलाइजेशन के बारे में, बहुत सारे इधर हाल ही में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। अभी मुझे माननीय मंत्री जी ने बताया कि अभी एक नया अभी उन्होंने ओटीएस स्कीम अनाउंस की, ये बताता है कि हमारा उत्तर प्रदेश एक खुल करके किसानों को, जैसे किसानों के लिए, सबके लिए, आम पब्लिक के लिए, सबके लिए, सबके लिए उस तरह काम कर रहा है कि जिससे लोगों के जीवन में सुधार हो सके। तो आप लोगों ने आज
जो पूरे दिन भर की चर्चा की है, मैं समझता हूं कि आपकी चर्चा से ऐसे बहुत सारी बातें आएंगी जिनके ऊपर आगे भी चर्चा की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारे उदय भाग के लोग तमाम सारे चर्चा करेंगे, इन चीजों को मेरे सामने भी प्रेजेंटेशन करेंगे और उसके बाद कुछ ऐसे पॉलिसी निर्णय लिए जाएंगे कि जिससे जहां कहीं भी अगर ग्रंथियां हैं, जहां कहीं भी गांठें हैं, उन गांठों को हम तोड़ दें कि उत्तर प्रदेश खुल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, खुल करके इन चीजों को आगे लेकर के लेना चाहता है। तो मैं उसके लिए जो पूरा दिन भर में आप लोगों ने इतनी सारी योगदान दिया और आपके उस योगदान से आगे एक नया रास्ता हमारा खुलेगा, जैसे कि जो आज एक लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी लेके पूरे देश के लिए चल रहे हैं, जिसके उस कदम से कदम मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश को लेकर के चल रहे हैं, उस लक्ष्य को पूरा करने में हमें मदद मिलेगी। मैं इसके लिए आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे आपने बुलाया, आपने इस अंतिम सेशन में बुला के आपसे कुछ बातें करने का मौका दिया, उसके लिए मैं अपने ऊर्जा विभाग को, आपको सबको धन्यवाद देता हूं। इन्हीं बातों के साथ आप सारे लोगों को, थोड़े समय में हमारी दिवाली का त्यौहार आने वाला है, वो तो ऊर्जा का ही त्यौहार होता है, सब जगह दिवाली में ऊर्जा ही ऊर्जा सब जगह नजर आती है। उसके बाद भैया दूज का त्यौहार आता है, वो गोवर्धन पूजा का आता है, छठ माता का पूजा का आता है, सारे के सारे जो आने वाले त्यौहार है सबके लिए आपको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।